दोस्तों, अगर हम 80 के दशक की उस अभिनेत्री के बारे में बात करें जिसने अपने अभिनय के साथ साथ अपनी खूबसूरती से भी दर्शकों का दिल जीता है, तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम अभिनेत्री फरहान नाज का आएगा, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेत्री काम किया और अपने अच्छे अभिनय के जरिए फिल्मी इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी हासिल करने वाली अभिनेत्री फरहान नाज ने अपनी असल जिंदगी में दो शादियां की हैं, जिनमें बदकिस्मती से इनकी पहली शादी असफल रही है और दूसरी सफल। चलिए, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी उन्हीं दो शादियों से रूबरू कराने वाले हैं कि इनकी ये शादियां कब, कहां और किससे हुई हैं। अगर आप इनसे जुड़ी इन्हीं सब बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पर इससे पहले, इस खूबसूरत अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टीप अपना अपना, लव 86, घर घर की कहानी और नमक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली अभिनेत्री फरहान नाज ने अपने अभिनय करियर में काफी सफलता हासिल की है, जिसके चलते आज इन्हें किसी भी अलग पहचान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अलावा बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन्होंने अपनी असल जिंदगी में दो शादियां की हैं, जो कि वर्तमान में एक्टर और फिल्म डायरेक्टर सुमित सहगल के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। बात करें इनकी लव स्टोरी के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2003 में इन दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जहां ये दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे, जिसके चलते दोनों ने जल्द ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों साल 2003 में शादी के बंधन में बंध गए। आज इन दोनों की इस शादी को लगभग 18 साल हो चुके हैं और आज भी दोनों का प्यार पहले की तरह ही बरकरार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेत्री फरहान नाज ने अभिनेता सुमित सहगल से शादी करने से पहले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता बिंदु दारा सिंह से शादी की थी, जिनसे इनकी पहली मुलाकात एक फिल्म शूटिंग के दौरान हुई थी, जहां पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था और काफी समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने हमसफर के रूप में चुनने का फैसला किया। फरहान नाज की मां को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए फरहान नाज ने अपनी मां के खिलाफ जाकर बिंदु दारा सिंह से साल 1996 में शादी कर ली थी। पर एक वेबसाइट के मुताबिक खबरें थी कि उस दौरान फरहान मां बनने वाली थी और इसलिए दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। हालांकि शादी के कुछ समय तक इनके रिश्ते अच्छे रहे, पर बीतते समय के साथ साथ इनके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि दारा सिंह चाहते थे कि फरहान शादी के बाद फिल्मों से दूर रहें और घर पर खाना बनाएं, जिसके चलते फरहान नाज ने परिवार के दबाव में आकर अपना सारा काम छोड़ दिया था। पर इससे भी इनके रिश्ते ठीक नहीं हुए और ये पारिवारिक झगड़े धीरे धीरे सामने आने लगे थे, जिसके कारण साल 2003 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया और हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। आज जहां फरहा सुमित सहगल के साथ अपनी जिंदगी बिताकर काफी खुश हैं, तो वहीं अभिनेता बिंदु दारा सिंह मॉडल डीनो उमरोवा के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आप अभिनेत्री फरहान नाज और बिंदु दारा सिंह के इस रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।